और सुबह के बज रहे हैं 11:30 और मैं जा रही हूँ अपने ऑफिस और ऑफिस से जाऊँगी शाम को कहीं, तो मैं आपको दिखाऊँगी वीडियो। फिलहाल मैं ऑटो रिक्शे में दिल्ली में, दिल्ली का ट्रैफिक करोल बाग, और पीने जा रही हूँ गन्ने का रस। बताती हूँ किस तरह निकाला जाता है अंदर। और शाम के बज रहे हैं 6:00 करोल बाग में, और अभी पी रही हूँ गन्ने का जूस। मैं दिखाती हूँ आपको गन्ने का जूस कैसे निकाल रहे हैं भैया। ये देखिए इनके गन्ने के जूस की मशीन, वो दूसरी होती है, ये अलग है। मैंने तो भाई दिल्ली में पहली बार देखी है, मतलब और गांव में कैसी होती है वो दूसरी वाली होती है ना, है भैया? वो डीजल से या वैसे चलती है उसमें? हाँ डीजल, और वो धुआं हुआ। हाँ, और ये आपका कैसे चलती है? अच्छा इससे निकालोगे? अच्छा 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 यानी बस हैंड टू हैंड निकालो और दे दो। हाँ अच्छा, कोई स्टोरेज वगैरह नहीं है क्या? हाँ, काफी पहले स्टोरेज में कुछ भी नहीं था। अच्छा, इसका कहाँ हो रहा है स्टोरेज अभी? अच्छा, ये यहाँ हो रहा है। ओके ओके, अच्छा, इसीलिए आप बर्फ बर्फ नहीं डालते हो? चिला है ना इसके अंदर, है ना? चिला है। अच्छा, अभी 1 पान है इसका। ओके, जिसका टेम्परेचर है। हाँ हाँ, तो देखा अपने गन्ने का जूस कैसे निकल रहा है मेरे। तो मैंने वो मशीन देखी, ये मैंने यहाँ देखा तो मैं शॉक हो गई, और मुझे बहुत अच्छा लगा इन्होंने पूरा बताया भैया ने। और कितना भी गन्ना मतलब पतला हो तो भी जूस निकल रहा है। सो मैं पीऊँगी अभी गन्ने का जूस, आपको बताती हूँ जब निकलता है तब। हम लोग इस दुकान में घुसे तब मुझे लगा गन्ने की मशीन तो नज़र ही नहीं आ रही, कहाँ से पियेंगे। देखा तो आपका तो ऑटोमेटिक सिस्टम नज़र आया है यहाँ पे, बट बहुत अच्छा लगा मुझे आपका सिस्टम। ये रहा गन्ने का जूस, और इतना बढ़िया लग रहा है, देखती हूँ मैं पी के कैसा लगता है। ये बहुत ही टेस्टी है। और ये कौन सा फ्लेवर था आपने हमारे डाला है जो, है भैया कौन सा फ्लेवर था इसमें? नॉर्मल ना? हाँ हाँ, नमक बस। अभी मैं आई हूँ कन्नाट प्लेस, ये मेरे पीछे आप देख सकते हो, और अभी मैं जा रही हूँ घर, चुकी हूँ अपने घर और आके बैठी हूँ। सो इस ब्लॉग को यहीं एंड करूँगी, और गन्ने वाले ब्लॉग को आप इंजॉय कीजिए। तब तक के लिए मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में फिर आपसे मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड नाइट।